बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे, सेहतियाब होंगे और अल्लाह पाक आपको ऐसे ही रखे। व्यूअर्स, बहुत सही दुआओं के बाद आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो मजेदार सा पिज्जा है, होममेड, बगैर ओवन के हम पिज्जा तैयार कर रहे हैं। तो चलिए व्यूअर्स के इंग्रीडियंट्स नोट डाउन कर लें। व्यूअर्स, आज हम आपको मजेदार सा पिज्जा बनाना सिखा रहे हैं, चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे अहम पॉइंट जो है इसकी डो बनाने का तरीका, ये इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने हैं। मैंने हाफ के जी मैदा ले लिया है, उसको एक बॉल में रख लिया। इसके अलावा मुझे 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए और 1 टेबल स्पून मुझे ऑयल चाहिए और 1 टेबल स्पून ही मुझे शुगर चाहिए और 1 ईस्ट का पैकेट हम पूरा फुल आधा किलो में डालेंगे। इसके अलावा मुझे नीम गर्म पानी चाहिए क्योंकि रूम टेम्परेचर के हिसाब से आजकल जैसे सर्दी है उस हिसाब से मुझे हल्का सा पानी नीम गर्म चाहिए, जैसे जिसको कहते हैं कोसा पानी, वो चाहिए। जब तक आपकी डो सही नहीं बनेगी व्यूअर, उस टाइम तक आपका पिज्जा परफेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए आप डो को लाजमी चेक कर लें, इसके इंग्रीडियंट्स किस मकदार में कितनी डालेंगे और कैसे हम इसको बनाएंगे। चलिए व्यूअर्स का नेक्स्ट स्टेप नोट कर लें। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लेना है। अब इसमें मैंने ये ईस्ट का जो पूरा एक पैकेट है उसको हम शामिल कर देंगे। ये पूरा फुल पैकेट डालेंगे, इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच ही ये एक पैकेट होती है ईस्ट, हमने पूरा फुल इसमें डाल देना है। उसके बाद व्यूअर्स मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये शुगर थी सारी ऐड कर दूंगी जो एक खाने का चम्मच होता है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है वो हमने इसमें शामिल कर देना है। उसके अलावा ये व्यूअर्स ये नीम गर्म पानी है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करूंगी, उसको चम्मच से मिक्स करती जाऊंगी। फेवरेट स्टेप हम पिज्जे की डो बनाने के लिए, मैं अब इसमें मैदे को शामिल कर दूंगी। परांठे में अच्छे से हमने मैदे को इसमें डाल लेना है और ये जो मैंने ईस्ट रखी थी बनने के लिए, ये देखे माशाल्लाह अच्छे से राइस हो चुकी है ईस्ट इस टाइम पे। अब इस टाइम पे हम इसको भी शामिल करेंगे ताकि हमारी पिज्जे की डो जबरदस्त सी तैयार हो जाए। इससे पहले व्यूअर्स मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल शामिल किया और व्यूअर्स ये मैं इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून ही भरकर मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। थोड़ी सी चीनी हम और डालेंगे इसमें और इस टाइम पे भी बस को मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी क्योंकि मजेदार सा हम पिज्जा तैयार कर रहे हैं। पिज्जे की डो को आपने बड़े गौर से देखना है कि मैं कैसे बना रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपका पिज्जा भी जबरदस्त सा तैयार होगा। ये देखिए भी बस अब मैं ये सारी ईस्ट इसमें शामिल कर दूंगी जो मैंने ईस्ट रखी थी। इसको हमने इसमें अच्छे से शामिल कर देना है सारे मैदे में। इस टाइम पे भी बस मैं इसको नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लूंगी क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो इसलिए हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी से ही करेंगे ताकि हमारी ये डो अच्छे से राइज हो। व्यूअर्स, जब मैंने इसको एक बॉल में डाल दिया है और मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको कवर करके रख दूंगी डो को घंटा एक ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। ऐसे किया उसको मैंने 20-25 मिनट के लिए छोड़ दिया या घंटे के लिए छोड़ दें ताकि जब तक हमारी डो राइज ना हो जाए उस टाइम तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे।
चाहिए हमें 1 पाउंड से ज्यादा बोनलेस चिकन चाहिए, क्यूब शेप में मैंने काट कर धोकर रख लिया है। इसके अलावा 2 अदर शिमला मिर्च मैंने ऐसे स्लाइस शेप में काट लेना है, 1 बड़ा टमाटर लेके मैंने इसको भी ऐसे स्लाइस शेप में काट लेना है, उसके दरमियान में से गूदा हमने निकाल कर फेंक देना है क्योंकि वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। 1 अदर अनियन चाहिए, वो भी मैंने स्लाइस शेप में कट करके रख ली है। और एक हमें ये चाहिए पिज्जा चीज, चटर चीज जो मिलती है वो डालेंगे। इसके अलावा मुझे ओरिगानो चाहिए जो हम इस पर टॉपिंग पे डालेंगे अच्छी स्मेल के लिए। और ये पिज्जा सॉस है, चिली फ्लेक्स पिज्जा सॉस है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। जबरदस्त चटपटी सी सॉस है ये। चलिए व्यूअर्स का नेक्स्ट स्टेप नोट कर लें, आगे हम क्या करेंगे। व्यूअर्स स्टेप में मैंने एक पैन ले लिया है और ये थोड़ा सा घी है वो मैंने इसको ऐड कर लेना है, क्योंकि मैंने ये बोनलेस जो चिकन लिया था इसको मैं तिक्का शेप में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब ये व्यूअर्स जो मैंने बोनलेस चिकन लिया था 1 टेबल स्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी क्योंकि इसको भी हमने स्पाइसी मजेदार सा बनाना है। और इस टाइम पे व्यूअर्स मैं 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स को भी ऐड कर दूंगी ऐसे ही, ऐसे थोड़ा सा हमने इसमें स्पाइस को बढ़ाने के लिए ये भी शामिल कर देंगे। व्यूअर्स टाइम पे भी सब चिकन इसमें शामिल कर दूंगी, इसको अच्छे से मैं घी में फ्राई कर लूंगी। पे ये मैं जो मेरे पास चीज थी वो मैं इसको अच्छे से कश करके रख लूंगी क्योंकि हमने पिज्जे के ऊपर डालनी है, इससे बाइंडिंग होती है और इसी से बहुत मजे का फ्लेवर आता है हमारे पिज्जे का। व्यूअर्स मेरे सारे स्टेप को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका भी मजेदार पिज्जा ऐसे ही तैयार होगा। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं ये मैंने कवर हटा दिया और मशरूम अंडों की तुच्छे से राइज हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे ऐसे सब कर लूंगी पिज्जे की दो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी से राइज हो गई है। अब इसको मैं ऐसे बाहर से कर लूंगी। व्यूअर्स जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी क्योंकि अभी हमने दोबारा से भूनना है डो को। ये देखिए व्यूअर्स इस डो को मैं 2 हिस्सों में निकाल लूंगी, ये थोड़ा सा कम हिस्सा हमने साइड पर देखे और ये हमें एक पिज्जा बनाने के लिए इतनी काफी होगी। अभी तो थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट करूंगी यहाँ पे। स्टेप पे मैं पिज्जा ट्रे ले लूंगी थोड़ा साइड पे, पका के हम बराबर कर लेंगे ऐसे। और ये पिज्जा ट्रे ले ली मैंने व्यूअर्स, ये पिज्जा ट्रे लिया, इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी 1 टेबल स्पून के करीबी। व्यूअर्स मैं ब्रश की मदद से सारे को अच्छे सा ग्रीस कर दूंगी
ट्रे को, क्योंकि आज हम मजेदार सा बेहतरीन सा पिज्जा बना रहे हैं व्यूअर्स। इसको हमने ऐसे किया, अब ये जो रोटी मैंने बनाई थी इसको हम ऐसे डाल देंगे पिज्जे की ट्रे पर। इसको हमने सारी रोटी को उस पर सेट कर लेना है। जब मैं व्यूवर्स में ओरिगानो इसमें शामिल करूंगी, थोड़ा सा इसमें हम जैसे स्प्रिंकल कर देंगे 1 पिंच के करीब, और अपने टेस्ट के हिसाब से चटपटा स्पाइसी बनाना चाहते हैं हम चिली फ्लेक्स भी इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, क्योंकि हम बहुत स्पाइसी और मजेदार सा पिज्जा तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स भी शामिल कर दिया। चलिए व्यूवर्स, अब नेक्स्ट स्टेप नोट कर लें कि हमने इसे बघारा 1 की तैयार करना है, हम इसे पतीले में तैयार कर रहे हैं। चलिए व्यूवर्स, अब हम पतीले को रखेंगे प्री हीट होने के लिए। व्यूवर्स, स्टेप पे मैंने ये बड़ा पतीला ले लिया है, फ्लेम को कर लिया है ऑन। अब इस स्टेप पे मैं व्यूवर्स के अंदर रखूंगी ये स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप बेशक कोई बड़ी सी प्लेट रख लें, ताकि आपके इसमें थोड़ा सा स्पेस बन जाए, हमने पिज्जे को इसमें अच्छे से कुक करना है बघारा 1 के। आज हम आपको मजेदार सा पिज्जा बनाना सिखा रहे हैं व्यूवर्स। ये थोड़ा सा इसमें पानी था, वो खुश्क हो जाता है, फिर इसके बाद मैं इसको पिज्जे को उसमें रख दूंगी। व्यूअर्स, स्टैंड पे इस पतीले में मैंने ये रख दिया है स्टैंड, और इसको हम 5-10 मिनट प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा जब गर्म होगा फिर इसके बाद हम इसमें पिज्जा रख देंगे पकने के लिए। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए इसको गर्म कर लेंगे। व्यूअर्स, स्टैंड पे मैं इसे कवर हटाऊंगी। बिस्मिल्लाह, ये हमारा पतीला अच्छा से प्री हीट हो रहा है। अब इस स्टैंड पे व्यूअर्स मैं इसमें ये रख दूंगी। इसको बिल्कुल इक्वल दरमियान में रख के कर देना मैंने, ताकि हमें उठाने में भी आसानी हो। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए।
हम कवर हटा के थोड़ा सा देखेंगे माशाल्लाह पोजीशन क्या है पिज्जे की। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह पिज्जा अच्छे से राइज होना शुरू हो गया है। तो व्यूअर इस टाइम पे आप चेक कर लें, मैं आपको करीब करके दिखा दूं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा पिज्जा अच्छे से राइज हो रहा है। इसको मैं फिर कवर कर दूंगी। अभी सिर्फ 5-7 मिनट गुजरे हैं, हमने इसको 12 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। अभी हम फिर दोबारा पतीले का ढक्कन उतार कर देखेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छे से राइज हो रहा है और इतनी अच्छी डो सॉफ्ट इस टाइम ये कुक हो चुकी है। बस सिर्फ कुछ सेकंड मजीद और मैं पकाऊंगी इसको और फिर मैं इसको उतार लूंगी, क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो मैंने चीज डाला था पिज्जा चीज वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। हर चीज माशाल्लाह परफेक्ट हो गई है। उससे मैंने इसको और पकाना है, उसके बाद मैंने इसको उतार लेना है। फिर बस हम पतीले को फिर कवर को हटाएंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पिज्जा इस टाइम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल लगाऊंगी इसे कॉर्नर्स पे ताकि इसमें अच्छी सी शाइनिंग सी आ जाए। आप इस टाइम पे यहाँ पे बटर भी लगा सकते हैं, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए अब मैं फ्लेम को करती हूँ बंद, क्योंकि हमारा पिज्जा माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्लेम को मैंने कर दिया बंद। देखिए व्यूअर्स मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया शाइनिंग के लिए। जैसे बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा था बेहतरीन परफेक्ट पिज्जा स्टम बिल्कुल तैयार है। व्यूअर्स स्टम पे मैं इसको निकाल लूंगी। बहुत ही एहतियात के साथ हमने व्यूअर्स को निकालना है। मैं चाह रही थी कि पिज्जा ही ना खराब हो। मैंने पिज्जे का निकाल लेना है। बिस्मिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा कितना जबरदस्त पिज्जा तैयार हो गया है। इस टाइम इसको निकाल लूंगी मैं। ये पिज्जा माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसको निकाल लूंगी प्लेटर में बिस्मिल्लाह, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। देखिए मैंने इसको निकाल लेना, मैंने प्लेट में इसको शिफ्ट कर दिया है। आप चेक करें माशाल्लाह कितना अच्छा सा पिज्जा तैयार हुआ है। आपको मैं इसकी नीचे से भी दिखा दूं दो माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से ये कुक हुआ है हर तरफ से। ये देखें ये आप चेक कर सकते हैं ये बहुत अच्छे से नीचे से कुक हो चुका है। अभी मैं इसके पीसेस करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कम्प्लीट कि कितना अच्छा मैंने पिज्जा घर पर तैयार किया है। व्यूवर्स इस रेसिपी को कम्प्लीट वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी बहुत ही मजेदार लाजवाब सा पिज्जा मैंने आज घर पर आपके लिए तैयार किया। व्यूवर्स मेरे इस चैनल पर जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिलती रहे। चले व्यूवर्स टाइम पे मैं इसको कट करूंगी। व्यूवर्स टाइम पे मैं इसको कट करूंगी बिस्मिल्लाह। देखिए इसको सारे को हमने अच्छे से कट कर लेना है। फिर ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह पिज्जे पे जो मैंने चीज लगाई थी वो आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त लगी। ये मैं उठाऊंगी इस पीस को तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी सॉफ्टनेस चेक करें इस पिज्जे की, ये सॉफ्ट देखिए कितना बना है और ये आप नीचे से भी इसको देख सकते हैं इसके बैक से कितना अच्छे से ये कुक हुआ है हर तरफ से बहुत जबरदस्त बेहतरीन सा ये तैयार हो गया इस टाइम पे पिज्जा। खाएं मजे लें और मुझे बताएं
कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सा पिज्जा व्यूअर्स मैंने आज आपके लिए घर पर तैयार किया। मुझसे जब रहा नहीं जा रहा, अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।